वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, अर्थात अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, या इन क्वेश्चन की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेज आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है, UPSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UPSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले से कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, असम से ये प्राप्त हुए हैं पत्थर के घड़े जो कि महापाषाण काल के हैं। 312वां प्रश्न है, शाहजहां नामा किसने लिखा है। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी है इनायत खां और ऑप्शन डी है अबुल फजल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा है। अगला प्रश्न है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है। ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है बाबा फरीद, ऑप्शन सी है कबीर और ऑप्शन डी है रामानंद। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। 314th क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर महल आगरा में स्थित है। 315th क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है तक्षशिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। 316th क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है बुद्ध है, धम्म है और संघ है और ऑप्शन डी अष्टांगिक मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इसमें अष्टांगिक मार्ग नहीं है, बहुत ईजी सा प्रश्न है, इसमें बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ये त्रिरत्न में आते हैं। 317th क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन डी 1929 और ऑप्शन डी 1916। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। 318th क्वेश्चन है, 1882 के मद्रास वन अधिनियम ने आदिवासी लोगों को शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन ए बीवर खेती, ऑप्शन बी है पोडू खेती, ऑप्शन सी है कॉमन खेती या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पोडू खेती।
319th क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू का। अगला प्रश्न है, किसकी गिरफ्तारी पर वर्ष 1919 में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन सी है और ऑप्शन बी है सीआर दास, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे और यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। 321वां प्रश्न है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? ऑप्शन ए है कुमार पाल, ऑप्शन बी है जयचंद को, ऑप्शन सी है गोविंद राय और ऑप्शन डी है भीम द्वितीय को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था 1194 में। 322वां प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है सैयद और ऑप्शन डी है लोदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। 323वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इसमें जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र जो प्रतिनिधि गए थे वो गांधी जी गए थे। इसके अलावा महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। 325th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है सैयद और ऑप्शन डी है लोदी। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। 326th क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना बतानी है, कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो डफरिन के समय पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, ऑप्शन बी है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर ऑप्शन डी है प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले डफरिन का समय जान लीजिए, 1884 से 1888 एडी तक रहा था गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में कह सकते हैं, और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 327th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है आनंद मोहन बोस और ऑप्शन डी है भूपेंद्र नाथ बोस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद इस सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी थे। 328th क्वेश्चन है, कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है अग्निमित्र, ऑप्शन बी है वशुमित्र, ऑप्शन सी है देवभूति और ऑप्शन डी है भागभद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो ये हो गए आज के सेट के हिस्ट्री के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप क्वेश्चंस देखिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
अभी ये इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, बीच बीच में हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद टॉप 500 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा और क्वेश्चन इसमें कथन वाले मिल जाएंगे और मैच द फॉलोइंग जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे रहेंगे। पहला सेट थोड़ा सा ईजी है और इसकी क्लासेस भी चल रही हैं दोपहर वाली क्लास में 1 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके साथ में आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना देर किए आप गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदर कोई जानकारी लेनी है आप इन नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।